जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी जॉब्स के, जो कि यूके में मोस्टली स्टूडेंट्स भी करते हैं और बाकी लोग भी करते हैं। यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, DPL है, अमेजोन है, यूडल है। आज मैं जिस कंपनी के लिए आज आया हूँ, वो मेरी जो दूसरी जॉब है, मुझे उससे छुट्टी थी, तो मेरे एक रूममेट ये जॉब कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज उनके साथ चलते हैं और ये वीडियो बनाते हैं। देखो भाई, कंटेंट के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये सीन है अमेजोन और इसका ऑलमोस्ट सेम ही सीन है। ऑलमोस्ट जो भी डिलीवरी जॉब्स होती हैं तकरीबन उनका सेम ही प्रोसेस होता है। बाकी स्कैनिंग वगैरह होती है, पार्सल कैसे नंबरिंग होती है, फिर उसके बाद लोडिंग, फिर वो घर घर जाके कैसे पार्सल डिलीवर करते हैं, वो सारा सीन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं खुद भी पार्सल डिलीवर करूँगा। और मेन चीज़ है वो ये है कि अर्निंग कितनी होती है और पर पार्सल ड्राइवर को कितना पेमेंट करती है कंपनी। ये वीडियो इससे रिलेटेड होने जा रही है। Stay tuned. And अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। ये खड़ी है भाई अपनी लंबरगिनी, इसमें अभी हम डिलीवरी करने जा रहे हैं। बस स्टूडेंट्स अपनी कार्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें जाएंगे। ये पेट्रोल पंप का ये सीन होता है, यहाँ पे ऑयल वगैरह अगर आपने डलवाना है तो खुद ही यहाँ पे डालना पड़ता है। यहाँ से वो अपना वाला सीन नहीं, एशियन का बंदा एक खड़ा होगा, वो खुद डालेगा, यहाँ पर खुद ही डाला जाता है। और रेट यहाँ पे पेट्रोल का क्या चल रहा है जी, 158। पेट्रोल है डीजल की? हाँ डीजल डीजल। पेट्रोल का क्या रेट है? अच्छा जी, 100 पाउंड का पड़ा है 63 लीटर। बाकी साहब आप लगा लें। पेट्रोल पंप की जॉब इस तरह की होती है भाई, यहाँ पे खड़े होना होता है बस, अंदर इनसाइड बाहर कोई सीन। ये खूबसूरत मनाजर देख के आपको लग रहा होगा कि डिलीवरी की जॉब बहुत ही चिल जॉब है, लेकिन भाई ऐसा सच नहीं है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये है वो वेयरहाउस जहाँ पे सारे कंटेनर्स आते हैं और यहाँ से फिर लोड होके इन वैन्स में और गाड़ियों में डिलीवरी के जो भी सामान होता है वो घर घर पहुँचाया जाता है। तो ये सब पार्सल हैं जो आए हुए हैं, उन पर हमने क्या करना है, इसकी हमने करनी है स्कैनिंग। ये बार कोड होते हैं, इन पर लिखे हुए उनको हमने स्कैन करना होता है अपने मोबाइल में। उन्होंने ऐप दी होती है, हर कंपनी की अपनी एक ऐप होती है, उस पर स्कैन करके फिर इस पर नंबरिंग वगैरह हम लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो डिलीवरी करने में। आगे ये जैसे ये पार्सल पड़े हुए हैं सबके, ये अभी उनसे नंबरिंग स्कैनिंग करके फिर लोड करेंगे इस गाड़ी में, उसके बाद आगे ले जाएंगे। आप बताएँ कि हम क्या आपको बताएं? इसमें सर आपको अपना टूर आईडी नंबर और अपनी आईडी वगैरह डाल के आपको अपना टूर बनाना पड़ता है। अपने जो भी आपने स्टॉप करने हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आएगी, उसके बाद आप अपना जो टूर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी इसमें अब हमने पहले इंटर करना है अपना स्टार्ट टाइम, फिर लोकेशन, फिर बस स्टॉप आपने कितना टाइम लगाना है, फिर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन वगैरह, कौन सी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, फिर उसकी स्टार्ट माइलेज डालनी है, फिर उसके बाद रोड टैक्स है, वैलिड MOT है, करेक्ट डिलीवरी पार्सल्स यूज है, और चुको भी वो होगा 3 क्या हो गया। अभी स्कैनिंग नहीं है, बनाओ दर 86। तो अगर तो आप घूमने फिरने के शौकीन और आपको नई जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो डिलीवरी जॉब आपके लिए बहुत सूट करती है। लेकिन इसमें यह है कि जब आप पार्सल डिलीवर कर रहे होते हैं तो जगहों से ज़्यादा आपको फिक्र अपने पार्सल्स की होती है, जो कि आपने इन टाइम कंप्लीट करने होते हैं। करनी है पार्सल लेके, बस पिक्चर लेनी है कस्टमर के हाथ की या पाँव वगैरह की साथ में देते हुए, दैट्स इट। देखो भाई, आजकल जो बाहर का मौसम चल रहा है और इसकी वजह से मौसम बहुत ही फिट है, धूप निकली हुई है और ये नज़ारे देख के आपका दिल भी कर रहा होगा कि UK आ पाए। लेकिन ये सीन है, हम भी यही सीन मूवीज़ वगैरह में देख के यहाँ पे UK में आए थे, लेकिन यहाँ भाई हालात उसके बड़े बरक्स होते हैं। देखो भाई, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितनी ज़िंदगी आसान लगती है परदेश में इतनी आसान होती नहीं। अच्छा भाई, पार्सल सिर्फ छोटे ही नहीं होते, बड़े पार्सल भी होते हैं। अब ये एक पार्सल है, देख लो, ये बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ जो ना लिफ्ट पे ही है, लेकिन वहाँ ऊपर जाके उसमें सातवें माले का पार्सल, और ये है आपका भाई, डिलीवरी हो चुकी है। वो डिलीवरी नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, ये पैकेज की डिलीवरी की बात हो रही है।
जी हाँ भाई, पार्सल डिलीवर हो चुके हैं 50 और अभी 50 बकाया है। और अभी बारिश हुई है काफ़ी और उसके बाद दोबारा से मौसम जैसा धूप आ गई है। यह यूके का मौसम भाई। ये सीन होता है कि भाई जो टाउन के पार्सल्स होते हैं ना वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और जो आगे पीछे एरियाज के होते हैं ना जहाँ पे कॉलोनीज वगैरह होती हैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, वहाँ पे पास पास घर होते हैं वहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सिटी होता है ना, जो मेन एरिया होता है, वहाँ पे टाउन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ट्रैफिक होती है, उसके साथ साथ वहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट्स होते हैं, उनमें फिर फ्लैट्स नंबर देखना और वो झमेला थोड़ा ज़्यादा होता है उसका। अच्छा, अगर बात की जाए पे की तो पर पार्सल जो दे रहे हैं ड्राइवर को वाले वो ऑलमोस्ट 95p दे रहे हैं पर पार्सल डिलीवरी पे। और इनका ये सीन होता है कि आपको ऑयल, वैन, सब कुछ, एवरीथिंग उनकी है, आपको पर पार्सल जो भी पैसे मिल रहे हैं वो आपकी बचत है सिर्फ। और इसके अलावा जो है, अगर आप अपनी कार पे कर रहे हैं तो फिर उसका थोड़ा रेट डिफरेंट होता है, कम होता है थोड़ा, लेकिन उसमें भी आपको माइलेज के हिसाब से वो पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।